नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर सुरक्षा के खतरे की समस्या का समाधान निकालने पर बल दिया है। बिना रियायत वाले रसोई गैस के सिलेंडर पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। CITU की अंडमान निकोबार प्रदेश इकाई ने आम बजट को गरीबों का विरोधी बताया है। मधुतर अंडमान के बिल्ली ग्राउंड में बलात्कार के आरोप में एक दुकानदार को कल गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार बागवानी सोसाइटी की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर सुरक्षा के खतरे की समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नेस्कॉम के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज साइबर सुरक्षा दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भारतीय दिग्गजों से कहा कि वे इससे निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने में प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू होने से LPG सब्सिडी में 10% की गड़बड़ी रुकी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर 19 कोयला खंडों की नीलामी की गई और इससे 1,10,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के कारण ही भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत से ही लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। श्री मोदी ने नेस्कॉम से कहा कि वे दस्तावेजों की सुरक्षा और भंडारण की प्रणाली विकसित करें। भविष्य में इसका बड़ा बाजार होगा और सरकार भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। विमान ईंधन की कीमत में 8.2% की वृद्धि की गई है। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर 5 रुपए बढ़ा दी गई है। तेल कंपनियों ने बताया है कि विमान ईंधन की कीमत प्रति किलो लीटर 3,849 रुपए से बढ़ाकर 50,363 रुपए कर दी गई है। CITU की अंडमान निकोबार प्रदेश इकाई ने आम बजट को जन विरोधी और कॉरपोरेट हितैषी बताया है। संगठन के महासचिव बी चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा है कि वेल्थ टैक्स को समाप्त कर और